फिर होते अभी स्टॉप हो गया मालूम नहीं कौन कारण से देख लिया था। हरे कृष्ण गौर ब्रह्मानंद इसलिए कहते इनके हृदय में कामना थी काम थी लेकिन ये काम को उन्होंने क्या किया ये जड़ काम को उन्होंने अप्राकृत काम में लगा दिया। जैसे आप लोग दिन भर काम करती कि नहीं दिन भर काम करती है ना ऑफिस में आठ आठ घंटा नौ नौ घंटा काम करती हो लेकिन काम क्यों कर रहे हो बोले पैसा इरो आएगा ठाकुर का सेवा में लगेगा तभी यहाँ पर भी किचन में काम करते हो लेकिन क्यों बोले बढ़िया बढ़िया हाँ टोस्ट ब्रेड और क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज बनाते पिज्जा पास्ता टोफू सोयाबीन लासानिया क्यों बनाते काम को बोले कृष्ण को भोग में लग गया कृष्ण इसलिए फ्लोर को साफ करते हो भी काम है बोले क्यों करते हो बोले हाँ भगवान की दरबार है ना भगवान की मंदिर है साफ सुथरा रहनी चाहिए इसलिए अगर है काम है तभी तो भगवत इसलिए प्रभुपाद इसलिए रूप गोस्वामी ने उनने फल्गु वैराग्य को नहीं लिया है उनने ज्यादा भोग और ज्यादा वैराग्य को उनने पसंद नहीं किया बोले नहीं युक्त वैराग्य करो भगवान की सेवा के लिए जितना जरूरत तो उसको ग्रहण करो। इसलिए बोले काम का यहाँ दो उदाहरण दिया है कहते एक गोपियों के लिए उदाहरण दिया और दूसरा उदाहरण दिया कुब्जा के लिए। इसलिए जो रति तीन तरह का रति बताई रति कितना तरह का तीन एक है साधारण रति एक है सामंजस्य रति और एक है समर्था रति। रति को उन्होंने तीन भाग किया है कहते जो साधारण जो रति कहते ये कुब्जा को अंदर में कृष्ण जब मथुरा में गए और ये कुब्जा रोज कंस को सुंदर सुंदर श्रृंगार करती थी चंदन से सुंदर श्रृंगार करती थी जो कृष्ण सखाओं को साथ में जा रहे थे बोले कन्हैया वस्त्र तो बढ़िया हो गया लेकिन गले में माला भी हो गया लेकिन एक चीज की कसर रह गई बोले किस चीज बोले तिलक सुंदर तिलक लग जाता है ना फिर तो आनंद आ जाता बोले चिंता क्यों करते हो आगे चलो देखा कुब्जा बोले ओ सुंदरी सुंदरी कुब्जा बोली भैया अभी तक तो मेरे कोई सुंदरी बोली ही नहीं क्योंकि तीन जगह से टेढ़ी है ना तीन जगह से टेढ़ी और टेढ़ी चलती थी इसलिए बच्चे तो देखकर कभी डर जाते थे बोले भैया मेरे को सुंदरी बोलने वाला कौन है हैं इतने में देखा कृष्ण बलराम सखाओं के साथ में बोले वाह क्या सुंदर है कृष्ण हैं कितने सुंदर है क्योंकि पूर्व जन्म में ये कौन थी बोलो पूर्व जन्म में ये सुपर्णखा थी इसलिए सुपर्णखा ने प्रभु राम को देख करके बड़ी सुंदरी बन करके वो आई आकर सुपर्णखा ने क्या बताया बोले मैं जितने सुंदरी है ना भगवान तेरे को भी इतना सुंदर हमारा जो जोड़ी बड़ी प्यारी है लेकिन ये इतना ये बनना चाह रही थी देखो मैं जितने सुंदरी है ना तू भी इतना सुंदर नहीं हो भगवान कह रही थी हैं मैं जितने सुंदरी कहते मैं जितने सुंदरी तुम्हें भी भगवान सुंदर बनाया मतलब तेरे से मैं ज्यादा सुंदरी है इसलिए मेरे से शादी कर ले मेरे से तुम शादी कर ले। इसलिए उस समय तो उनने लक्ष्मण उसको नाकान काट दिए नाकान काट दिए बोले और किसकी बन करके नहीं रहो बन करके केवल प्रभु राम की रहो फिर वही बन करके कुबड़ी आती है हैं कुबड़ी बन करके आती है इसलिए प्रभु ने बोले ओ सुंदरी इसने देख करके प्रभु को इतना क्या सुंदर रूप है बोले मेरे सखाओं को थोड़ी सी श्रृंगार कर दोगे बोले क्यों नहीं आपको श्रृंगार नहीं करोगे तो किसको श्रृंगार करूंगी उनने सुंदर उनने श्रृंगार कर दिया सखाओं को बड़े सुंदर तिलक अलका लगा करके एकदम बड़े सुंदर बना दिया बलदेव प्रभु को और कृष्ण को भी बड़े सुंदर उन्होंने तिलक लगा दी। जब तिलक लगा दी सखा ने कहा कन्हैया तू तो केवल लेना ही जानते देना तो कभी सिखा ही नहीं बोले ऐसे क्यों कह रहे हो बोले ऐसे क्यों कह रहे हो बोले देखो खत्म हो गया इसका बैटरी लो है इसलिए उन्होंने बोले हाँ इसलिए उन्होंने बोले देखो देखो ये तीन जगह से टेढ़ी इसको ठीक कर दो ना बोले भैया हमारी जोड़ी तो बड़ी प्यारी है मैं भी तीन जगह से टेढ़ा हूँ और ये भी तीन जगह से टेढ़ी जोड़ी बढ़िया प्यारी बन गई है हम टेढ़ा हो ये भी टेढ़ी है बोले थोड़ी सी कृष्ण इसका ठीक कर दो फिर ठीक कर दो। इतने में कृष्ण क्या किया बस कमर में एक हाथ लगाया प्यार पर एक प्यार रखा और थोड़ी में एक हाथ लगा करके एक झटका मारा तो एकदम झटका सीधा एकदम सीधी हो गई
एकदम प्लास्टिक सर्जरी है ना पूरा उन्होंने सर्जरी कर दिया। इतने में भगवान का स्पर्श हो गया ना, ठाकुर का स्पर्श हो गया तो वो इतने सुंदरी हो गई, इतने सुंदरी हो गई। उसने अपना शरीर को देखा, इतने सुंदरता को देखकर पागली नहीं हो गई, इतने सुंदरता को देखकर के पागली नहीं हो गई। इतने में कृष्ण का जो कपड़ा था ना पकड़ लिए, बोले प्रभु ये सुंदर आपने दिया सुंदरता को, आप भी इस सुंदरता को उपभोग कर सकते हो। कृष्ण का तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? ये दाऊ भैया खड़े हुए कपड़े पकड़ कर तू खेच रहे हो, ये बड़े है ना बड़े बड़े सखा लोग है, इसको सामने कपड़े पकड़े खेच रहे हो। अभी नहीं, मैं जब कंस को उधार करके तुम्हारे घर में आऊंगा फिर तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। इसलिए कृष्ण ये कुब्जा को घर में आए और उसकी इच्छा पूरी की। इसलिए इसका जो प्रेम है ना वो साधारण प्रेम है, ये कामयुक्त प्रेम है। इसलिए और दूसरी ही साम जैसा प्रेम है कहते महिषियों का। बोले क्यों साम जैसा बताए? बोले इनका जो प्रेम है ना आधा पति में कृष्ण में, और जब शादी कर लिए बच्चे हो गए उनका जो प्रेम है ना बट गया प्रेम। कुछ तो प्रेम आ गया बच्चों के ऊपर में प्यार करने के लिए बच्चों को, और कुछ प्रेम आ गया कृष्ण के ऊपर में, इसलिए उनका जो प्रेम बंटवारा हो गया, हाँ प्रेम उनकी बंटवारा हो गया, इसलिए इनका सामंजस्य प्रेम। लेकिन गोपियों का जो प्रेम समर्थ रहती मतलब तो इनकी पति पुत्र भाई बंधु कोई नहीं। इन लोगों ने जो कृष्ण को प्रेम किया ना एक पॉइंट पूरा के पूरा एकदम सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज। इसलिए कृष्ण को एक पॉइंट करके पूरा के पूरा तन मन सब कुछ उन्होंने कृष्ण को चरण में अर्पण किया। इसलिए जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया अद्वैत आचार्य प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु तुमने घर क्यों छोड़े? पत्नी कितने प्यारी तुम्हारी, विष्णु प्रिया कितने सुंदर, और तुम स्नान करके जब आता था ना पूजा के लिए सारी चीज को सामग्री को इकट्ठा करके रख देता था, और तुम पूजा करते करते पूजा खत्म होने के बाद बढ़िया बढ़िया गरम गरम दाल चावल सब्जी है बड़े सुंदर साग भाजी तैयार बना देता, भोग लगाओ प्रसाद पाओ। और मैया तुम्हारी कितने प्यारी है, हाँ सच्ची मैया कितने प्यारी, और इतने सुंदर घर संसार जो सबके सब अनुकूल, तुम घर छिड़ो छोड़ा भजन क्या घर में नहीं हो सकता था? तो महाप्रभु कहते देखो जब तक सब कुछ नहीं छोड़ते है ना तब तक तुम अपना संपूर्ण रूप में तुम कृष्ण को सब नहीं दे सकते। कृष्ण प्रेम में महाप्रभु जैसे दोनों हाथ उठा करके हा राधे हा कृष्ण कर तू ये पछाड़ खाकर गिरते थे, दिन रात उसको चिंता में डूबे रहते थे। बोले जब तक सन्यासी कोई नहीं लेते ना, सन्यासी मतलब सम्यक रूप में संसार का सारी चीज को न्यास करके काम काय मन और वाक्य को द्वारा संपूर्ण कृष्ण को देना, बोले केवल ये सन्यास में ही हो सकता और किसी को द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए जितने सारे धर्म जो वर्ण और आश्रम में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, लास्ट जो स्थिति सन्यासी होगा, क्योंकि संपूर्ण रूप में तभी दे सकते हो जब संसार का सारे तुम्हारे बंधन कुछ नहीं हो। इसलिए यहाँ पर गोपियों ये सन्यासी, गोपियां ये सन्यासी है, घर में रहते हुए भी सन्यासी है, क्योंकि इनको उन्होंने किसी को भी अपना मन नहीं दिया, केवल उन्होंने कृष्ण को दिया और किसी को उन्होंने नहीं दिया। इसलिए कहते ये कामम, बोले काम को द्वारा किसने प्राप्त किया? बोले श्री गोपियों ने प्राप्त किया है, है? और कुब्जा ने प्राप्त की, उसको बाद में बोले भयम, उसको बाद में स्नेह ऐकम, फिर इसको हम कल सुनेंगे, ठीक है ना? आप लोग अभी आप लोग ठीक है सुन लो। ये लिखते काम, बोले क्रोध से, कहते क्रोध से किसने प्राप्त किया? बोले क्रोध से ये शिशुपाल ने, हाँ क्रोध से। और कहते क्रोध से शिशुपाल, अभी हम कथा सुन रहे थे ना कैसे कृष्ण के प्रति क्रोध किया, हाँ कृष्ण के प्रति कैसे क्रोध किया, क्रोध से कृष्ण को गाली देता था, उसको द्वारा क्या हुआ? उसको आवेश आ गया, कृष्ण के प्रति आवेश आ गया, और आवेश आ गया तो उसको भगवत प्राप्ति हो गई। भय से, बोले भय से कंस, क्योंकि जिस समय उसने वसुदेव महाराज जब गोकुल में अपना बेटे को रख करके वहां से बेटी को लेकर के आए
इतने में कंस जब उसको पकड़ा, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा, है काल बनेगा, इतने में अभी तक तो उसने थी जोग माया, क्योंकि वो देवों की गोद में थी। लेकिन कंस जब उसको स्पर्श करता है, कंस कभी जोग माया को स्पर्श नहीं कर सकता है, कंस स्पर्श करते वो की महामाया है। जब उसको पकड़ करके उन्होंने पछाड़ मारने के लिए गया, इतने पछाड़ क्या मारेगा उसने, कंस को एक ठोकर मारे, ठोकर मार जैसे करंट लगता है ना, वो वहीं पर गिर पड़ा। और इतने में उसने आकाश में उड़ गई और अष्ट भुजाओं को धारण करते हुए बोले, रे मुड़ कंस तो मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। हाँ, उसने देखा भैया ये तो मेरी कुलदेवी है, कंकाली उसकी कुलदेवी है, बोले तो मेरी कुलदेवी, ये कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है। हाँ, फिर क्या देवता लोग मेरे साथ में धोखे की, इसलिए उसने पुतना को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, त्रिनावर्त को भेजा, हैं एक एक भेजते रहे, और कृष्ण एक एक को खत्म करते रहे, हाँ एक एक को उद्धार करते रहे। इसलिए अभी कंस का जो भय हो गया, हर समय काले काले मुरली वाले मुरली पांग वाले, हैं हर समय उसको मन में भय है, हाँ होशियार कब कृष्ण आकर के मेरे को मार जाएगा, कोई काला चीज देखकर डर जाए, हाँ ये तो कृष्ण नहीं है। इसलिए उनकी जो भय है कहते उसको द्वारा इनके आवेश हो गया, इनको आवेश हो गया भय को द्वारा। बोले उनका जो स्नेह, बोले स्नेह को द्वारा किसने प्राप्त किया, बोले स्नेह को द्वारा कृष्ण का जो परिकर है वृष्णिवंशी, हैं ये हमारे लाला है, ये हमारे बेटा है, हैं ये बेटा है, और कौन है, बोले पांडव लोग हैं। कृष्ण को क्या मानते थे, ये हमारे दोस्त है कृष्ण। अर्जुन क्या मानते थे, ये मेरे सखा है, हाँ ये मेरी सखा है। और वो कौन मानते थे, युधिष्ठिर कहते, ये कहते उनके अंदर वात्सल्य रस था, उनके अंदर वात्सल्य रस, आधा वात्सल्य आधा ऐश्वर्य, भीम का अंदर में भी वैसे है। नकुल सहदेव का कृष्ण को चरण छूते थे, अर्जुन कृष्ण को गला से मिलते थे, भीम और युधिष्ठिर महाराज कृष्ण जाकर उनका चरण, कृष्ण उनके चरण छूते थे, क्योंकि वो बड़े थे, वो बड़े थे। इसलिए इनके अंदर में स्नेह भावना था, इसलिए कृष्ण हर समय इनके घर में रहते थे। इसलिए गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, इसलिए इनकी इतने स्नेह भावना थी पांडवों का, कृष्ण उनको घर छोड़कर कभी गए नहीं, कृष्ण हर समय रहते थे। इसलिए जब कृष्ण कभी जाने के लिए तैयारी होना, ये लोग जाते ही जाने ही नहीं देते, हाँ जाने ही नहीं देते, बोले कृष्ण जब जब विपत्ति आए तब तब तो हमें उद्धार किया, अभी संपत्ति आ गया छोड़ क्यों रहे हो, और कुछ दिन रुक जाओ। फिर कृष्ण कुछ दिन रुक जाते थे उनके साथ में घर में, हाँ कभी घूमने जाते थे, कभी कभी कृष्ण घर में उनके साथ में ये खेलते थे डाइस, इसको क्या बोलते हो, उसको खेलते थे कृष्ण उनको साथ में, एकदम उनको प्रति जो इनकी स्नेह भावना थी स्नेह को द्वारा। बोले और कौन स्नेह को द्वारा प्राप्त किए, बोले जैसे ब्रज की सखा लोग है, कृष्ण को अपना सखा मानते थे, झूठा खिलाते खिलाते थे, जैसे मैया यशोदा ब्रज की गोपियां हैं, कहते ये स्नेह को द्वारा उनको प्राप्त किया स्नेह। बोले ऐक्यम, बोले ऐक्यम इसको द्वारा, बोले बड़े बड़े योगी लोगों ने कृष्ण का अंगुष्ठ परिमाण जो परमात्मा को उन्होंने अपना हृदय में ध्यान करके, हृदय ध्यान करके उनको प्राप्त किया, इसलिए अपना सहोदर सहोदर रूप में, बोले नित्यम हरम विदधतो जानति तन्मयता हितै, कहते किसी तरह से अपना मन को क्या करो, भगवान को अंदर में तन्मयता कर दो, भगवान में डुबा दो। लेकिन यहाँ पर और एक प्रश्न करते हैं, बोले भैया उनको जो कंस और उनको जो शिशुपाल ने जो भजन किया है, हैं उनको क्रोध और भय से उनको भजन किया, क्रोध और भय से अगर कोई बोलेगा, अब देखना हम जो भगवान को भजन करने के लिए कभी बैठते हो, कोशिश करते गुरु मंत्र ऐसे ध्यान करेंगे, मन जैसे इधर उधर भटक नहीं, आचमन करके तिलक को स्थापन करके एक जगह पर बैठ करके देखना, हम कोशिश करते हैं भगवान को हम ध्यान करें, पता नहीं एक मिनट के बाद में मन तो काम चली गई, अपना बेटा बेटी काम धाम में कहीं चला गया, जब आँख खोली 10 मिनट बाद में मन था ही नहीं, मन तो और कहीं था, मन तो अपना काम कर रहा था। अब देखना ये मन भजन में नहीं लगता है, लेकिन कंस का और शिशुपाल का मन
वो आविष्ट हो गया था, उनका मन उसमें आविष्ट हो गया था, पूरा इतने आविष्ट हो गया था, कंस सारा दिन कृष्ण 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 क्यों मारेगा हमें, कृष्ण 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 सोचता था। शिशुपाल भी दिन भर कृष्ण कृष्ण मेरे को मारेगा, उसको पता चले गया था ना ये मेरे को मारने वाले, कंस को भी पता चले गया था इसको हाथ में मरने वाला हूँ, इसलिए इतने भय और इनको कृष्ण के प्रति इतने क्रोध था, दिन रात वाक्य निकलते नॉनसेंस स्टूपिड इडियट सारा दिन बोलता था। और कंस तो दिन भर डरा हुआ था, लेकिन इनका मन इसको तो अभिष्ट हो गया था। अगर कोई बोले हम ऐसे भजन करेंगे, हम तो ऐसे भजन करेंगे तो फिर मन क्या होगा उसमें आविष्ट हो जाएगा। बोले नहीं तुम ऐसे भजन नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते हो? बोले तुम जो कृष्ण को सोचोगे ये मेरी शत्रु है, क्यों मानोगे शत्रु? लेकिन उनको तो पता चल गया था ना कृष्ण का हाथ में हम मरेंगे, कृष्ण मारेगा, इसलिए भय और उनको शत्रुता था। बोले तुम क्यों सोचोगे कृष्ण शत्रु? तुम्हारे अंदर में आएगा नहीं भावना, ये तुम्हारी भावना आएगी नहीं, वो आविष्ट होगा ही नहीं तुम्हारी। हाँ अभी प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, कहते भैया जैसे गोपियों ने भजन किया, सखाओं ने भजन किया, पांडवों ने भजन किया, बोले भैया उनको भी गति मिली और कृष्ण का हाथ में कंस भी मरा और शिशुपाल भी मरा, क्या ये दोनों को गति एक ही मिलेगा? प्रश्न है ना, क्या दोनों को गति बराबर, उनकी गति ऐसे क्या मिलेगी? बोले नहीं, कहते दोनों को बराबर गति नहीं मिलेगी, बराबर गति उनको नहीं मिलेगी। बोले शिशुपाल को और कंस को क्या प्राप्त हुआ है? कहते अभिष्ट होकर के, कहते चार तरह का मुक्ति है, सालोक्य साष्टी सारूप्य और सामीप्य है। कहते ये चार तरह का मुक्ति और एक साजुज्य, ये पांच तरह का मुक्ति बताया। कहते इनको द्वेष भय के द्वारा भजन करने पर कृष्ण का जो माधुर्य है ना, उनको कृष्ण का माधुर्य प्राप्त नहीं होगा, उनको वैकुंठ में, उनको सलोक में समान ऐश्वर्य, उनका जैसे रूप है, उनका धाम में वास होगा। लेकिन जो भक्ति को द्वारा भजन करने पर जो माधुर्य जीव को प्राप्त हो, वो माधुर्य जीव को प्राप्ति नहीं होगा, कृष्ण उनका प्रेम में वशीभूत नहीं होंगे है वहां पर ऐश्वर्य रूप में। इसलिए भगवान कहते हैं ये चार तरह का मुक्ति, पांच तरह का मुक्ति, बोले दियमान अपि न गृह्णति मत सेवक मत सेवन बिना। भगवान कहते हैं ये मुक्ति में भक्तों को देने पर भी भक्त मुक्ति लेना नहीं चाहते। बोले प्रभु आपकी सेवा, आपकी प्रेम हम प्रदान करो। इसलिए कहते प्रेम को द्वारा भक्ति करने से उनका माधुर्य सौंदर्य उनकी कृष्ण भक्तों में वशीभूत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है, कहते प्रभु कहते भक्त्या अहम एकम ग्राह्यम न तो बुद्धया न टिकया, मेरे को कौन प्राप्त कर सकते है सही सही? भक्त्या माम एकम ग्राह्यम, भक्त लोक ही भक्ति को द्वारा मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, न साधयते माम सांख्यम। कहते हे उद्धव मेरे को सांख्य योग योग समाधि तपस्या न साधयते माम सांख्यम, न योग धर्म उद्धव न साधे तपस त्याग जता भक्ति में वर्जिता, तप त्याग को द्वारा मेरे को वशीभूत नहीं कर सकते हैं, भक्त भक्ति को द्वारा जैसे वशीभूत कर सकता है। इनको तो मिलेगा लेकिन इनको पूर्ण रूप में कृष्ण माधुर्य की प्राप्ति नहीं होगी, इनको वैकुंठ में गति मिलेगी लेकिन ऐश्वर्य बुद्धि से उन भक्ति माधुर्य रूप में भक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, बोले बादशाह कल त्रिभ्य कृपा सिंधु भज पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि।
इसको बंद कर दो।